नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 74 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67, पीडीपी को 27 और कांग्रेस को 26 सीटें मिली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। कृषि कानून किसानों के लिए बेहद फायदेमंद। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.69% हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। शहरी स्थानीय निकाय सुधारों में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश सबसे आगे। दोनों राज्यों को खुले बाजार से अतिरिक्त 48 अरब 98 करोड़ रुपए जुटाने की अनुमति मिली। और इसराइल में तय तारीख तक बजट पारित नहीं होने के कारण अब मध्यावधि चुनाव कराए जाएंगे। दोपहर समाचार में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं विशाल शर्मा। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, दो गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद की 280 सीटों में से अभी तक 276 के परिणाम घोषित किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक 74 सीटें जीती हैं, जबकि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 67 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर है। 49 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार कामयाब रहे हैं, जबकि महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को 27 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को अभी तक 26 सीटों पर सफलता मिली है, जबकि जेएंडके अपनी पार्टी ने 12 सीटें जीती हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 5 और जेएंडके पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को 8 सीटें मिली हैं। जेकेपीएम को 3 सीटों पर सफलता मिली है, जबकि जेएंडके नेशनल पैंथर्स पार्टी और पीडीएफ को 2-2 सीटों पर कामयाबी मिली है। बहुजन समाज पार्टी 1 सीट पर विजयी रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन में जिला विकास परिषद के नतीजों का स्वागत करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र की विजय है। डराने का प्रयास किया गया, आतंक की बात की गई, बंदूक उठाने की बात की गई, लेकिन यहाँ के लोगों ने 8 चरणों के इन चुनावों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सैकड़ों लोगों ने चुनाव लड़ा, लाखों लोगों ने मतदान किया और कुल मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर के राज्य में एक सफल चुनाव जिला परिषद के हुए। उसके लिए जीत जमहूरियत की हुई, जनता की हुई, जनतंत्र की हुई। अरुणाचल प्रदेश में कल हुए स्थानीय निकाय चुनावों के लिए लगभग 53% मतदान हुआ। पत्रकारों से बातचीत में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव न्याली एते ने कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ने की संभावना है, क्योंकि आयोग अब भी जिलों से आंकड़े प्राप्त कर रहा है। श्री एते ने बताया कि राज्य में मतदान शांतिपूर्ण रहा। 242 में से 141 जिला परिषद और 8215 में से 1702 ग्राम पंचायतों सीटों के लिए और 2 नगर निकायों ईटानगर निगम और पासीघाट नगर परिषद के तहत 28 में से 23 वार्डों के लिए मतदान हुआ। जिला परिषदों के लिए 99 और ग्राम पंचायत सीटों के लिए 6401 सहित कुल 6500 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। ईटानगर परिषद के 5 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। 110 ग्राम पंचायत सीटों के लिए चुनाव विभिन्न कारणों से नहीं हुआ था। वर्तमान चरण की चुनावी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग अंतिम निर्णय लेगा। कर्नाटक में कल ग्राम पंचायत चुनाव के पहले चरण में 117 तालुकों की 3019 ग्राम पंचायतों में 80% मतदान हुआ। बेंगलुरु ग्रामीण जिले के 2 तालुकों की 47 ग्राम पंचायतों में सबसे अधिक 92.35% वोट डाले गए। मतदान का न्यूनतम प्रतिशत यादगिरी के 3 तालुकों की 59 ग्राम पंचायतों में दर्ज किया गया, जहां 74% मतदान हुआ। पहले चरण की 48,048 सीटों के लिए 117,383 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। ग्राम पंचायत चुनाव का दूसरा चरण 27 दिसंबर को होगा और दोनों चरणों के चुनाव की मतगणना 30 दिसंबर को होगी।
दोनों चरणों में ग्राम पंचायतों के 92,121 सदस्यों का चुनाव करने के लिए 2,96,00,000 मतदाता मतदान के पात्र हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नए कृषि कानून किसानों के लिए बेहद फायदेमंद हैं, लेकिन जो लोग देश और किसानों का विकास नहीं चाहते हैं वे इनका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लखनऊ में किसानों को संबोधित कर रहे थे। ये बार बार कहा जा रहा है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी, मंडियां समाप्त नहीं होंगी, लेकिन तब भी इसके नाम पर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। ईपीएमसी एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान दिया जा रहा है कि किसान अब केवल मंडी में ले जाने के लिए अपने उत्पाद के लिए मजबूर नहीं होगा। अगर उसे लगता है कि लखनऊ की मंडी से ज्यादा दाम उसे बाराबंकी की मंडी में मिल सकते हैं या बाराबंकी से अच्छा दाम उसे दिल्ली की मंडी में मिल सकते हैं, बिना किसी टैक्स के, बिना किसी सरचार्ज के किसान अपने उत्पाद को देश के अंदर किसी भी मंडी में ले जाकर के बेच सकता है और ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। श्री योगी ने कहा कि राज्य में कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के उत्थान के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने कहा है कि वर्तमान खरीफ विपणन मौसम में धान की खेती करने वाले 50,77,000 किसानों को फायदा हुआ है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ कुल 79,675 करोड़ रुपए का धान खरीदा है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार से लगभग 422,00,000 टन धान खरीदा जा चुका है। 30 नवंबर को राज्य में खरीद सीजन समाप्त होने तक कुल खरीद में पंजाब से 202,00,000 टन से भी ज्यादा धान खरीदा गया है। राष्ट्र आज पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चौधरी चरण सिंह जीवन भर गांवों और किसानों के विकास के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान किसानों के फायदे की अनेक नीतियां शुरू की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौधरी चरण सिंह की प्रेरणा से ही किसानों के हित में अनेक कदम उठा रहे हैं और किसी भी सूरत में उनका अहित नहीं होने देंगे। श्री सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री देश के सबसे सम्मानित किसान नेताओं में अग्रणी थे। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब ने जीवन भर किसानों की समस्याओं को उठाया और उनके कल्याण के लिए काम किया। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश चौधरी चरण सिंह के योगदान को हमेशा याद रखेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में चौधरी चरण सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर लोकसभा सचिवालय द्वारा चौधरी चरण सिंह पर एक पुस्तिका गणमान्य लोगों को भेंट की गई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। सभी देशवासियों को किसान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार देश में किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एमएसपी चलती रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है। एमएसपी की रबी और खरीफ की जो खरीद है इस वर्ष भी बहुत अच्छे से हुई है और रबी की फसल की बुआई के समय एमएसपी घोषित कर दी है। एमएसपी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1.5 गुना किया गया है। खरीद का वॉल्यूम भी बढ़ाया गया है। पहले गेहूं और धान पर ही खरीद होती थी, अब दलहन और तिलहन पर भी खरीद की जा रही है और एमएसपी से किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मिल सके और उसमें अधिक पैसा हम खर्च कर सकें। इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता पहले भी थी, आज भी है और आने वाले कल में रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने विधान भवन के प्रांगण में उनकी प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाई।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह जीवन भर किसानों के सशक्तिकरण के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने हमेशा उपेक्षित लोगों के उत्थान के प्रयास किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी चरण सिंह सादगी और सत्यनिष्ठा के आदर्श थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सरकार की कल्याण योजनाओं के तहत किसानों को ट्रैक्टर और कृषि उपकरण बांटे। 23 दिसंबर का दिन भारत के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की याद में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग बीते वर्ष की प्रमुख घटनाओं पर अपनी विशेष श्रृंखला ईयर एंडर 2020 में श्रोताओं को वर्ष की प्रमुख झलकियों से अवगत कराता है। वर्ष 2020 के दौरान कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने विशेष प्रयास किए। हाल ही में बनाए गए कृषि कानूनों में किसानों को सशक्त बनाने तथा उनके कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश में किसान सम्मेलन को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए इस महीने की 18 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लाभ के अनेक उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने किसानों को सरकार का ये आश्वासन दोहराया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि उपज मंडी समिति एपीएमसी प्रणाली जारी रहेगी। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई षड्यंत्र नहीं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि भारत के किसानों को वे सभी आधुनिक सुविधाएं मिलनी चाहिए जो विकसित देशों में किसानों को उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरकार का संकल्प दोहराया और किसानों के अनुकूल नीति के बारे में सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने प्रगतिशील कृषि कानूनों के विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डाला है। इन कृषि कानूनों के लागू होने से पहले किसान को कुछ अधिसूचित कृषि उत्पादों को मंडी में ही बेचना होता था, लेकिन अब वे इन उत्पादों को मंडी के साथ साथ दूसरे खरीदारों को भी बेच सकते हैं। मंडी व्यवस्था में किसानों को वहां तय कीमत पर ही अपने उत्पादों को बेचना पड़ता था, लेकिन अब वे मोल भाव कर उन्हें कहीं भी बेच सकते हैं जहां उन्हें ज्यादा कीमत मिले। अब मंडी कर और अन्य करों के हट जाने से उत्पादक और उपभोक्ताओं को अधिक बचत हो पाएगी। पहले किसान केवल फलों और सब्जियों को मंडी से बाहर बेच सकते थे, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत वे किसी भी कृषि उत्पाद को देश भर में कहीं भी बेच सकते हैं। किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए अनुबंध खेती की इजाजत देश भर में दी गई है। इसके तहत अनुबंधकर्ता किसानों को पूरी कीमत दिए बिना समझौते को खत्म नहीं कर सकता। हालांकि किसान को इच्छा अनुसार अनुबंध से हटने की इजाजत होगी। नए कानूनों के तहत किसानों को वैल्यू चेन का भी हिस्सा बनाया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इन प्रावधानों के साथ साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य और एपीएमसी मंडी की व्यवस्था पूर्व की तरह जारी रहेगी। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 74 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67, पीडीपी को 27 और कांग्रेस को 26 सीटें मिली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। कहा, कृषि कानून किसानों के लिए बेहद फायदेमंद। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.69% हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। शहरी स्थानीय निकाय सुधारों में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश सबसे आगे। दोनों राज्यों को खुले बाजार से अतिरिक्त 48.98 अरब रुपये जुटाने की अनुमति मिली। और इसराइल में तय तारीख तक बजट पारित नहीं होने के कारण अब मध्यावधि चुनाव कराए जाएंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर और बेहतर होकर 95.69% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 26,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कुल 96,63,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। वर्तमान में देश में संक्रमण के करीब 2,89,000 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 23,950 नए रोगी सामने आए। वर्तमान में देश में मृत्यु दर 1.45% है। पिछले 24 घंटे में देश में 333 लोगों की मौत के साथ ही अब तक मरने वालों की संख्या 1,46,444 हो गई है।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 10,98,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 16,42,00,000 कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश में कोविड 19 के संक्रमण और इससे होने वाली मौतों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। राज्य में पिछले महीने संक्रमित रोगियों की संख्या 8,300 थी, जो अब घटकर 4,442 रह गई है। पिछले 24 घंटे में महामारी से सिर्फ 4 मौत हुई हैं, जो नवंबर में हुई मौतों के मुकाबले 1/4 है। इस बीच राज्य में अब तक महामारी की चपेट में आए लोगों की कुल संख्या 53,019 हो गई है। इसके अलावा 47,653 रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोविड 19 से अब तक कुल 877 मौतें हुई हैं। मिजोरम में कोविड संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है। राज्य में स्वस्थ होने की दर 96.44% हो गई है। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 144 रह गई है। पिछले 24 घंटे में 8 नए मामले सामने आए, जबकि 13 लोग स्वस्थ हुए। कल शाम कोविड से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही वहां संक्रमण से मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। अब तक कुल 4,141 लोग संक्रमित हुए हैं, इनमें से 3,986 स्वस्थ हो चुके हैं। त्रिपुरा में कोविड 19 के संक्रमित मरीजों की संख्या घटकर आज 192 रह गई। राज्य में स्वस्थ होने की दर बेहतर होकर 98.27% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 12 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 18 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। राज्य स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार अब तक 33,188 लोग इस वायरस से संक्रमित हुए हैं। इनमें से 32,590 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। कल शाम तक 5,68,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोविड के 635 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में अब तक कुल 2,82,982 लोग संक्रमित हुए हैं। कल करीब 45,000 लोगों की कोविड जांच की गई। 573 रोगियों के स्वस्थ होने के बाद ठीक होने की दर बढ़कर 97.12% हो गई है। अब तक कुल 2,74,833 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन में बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में 4 और रोगियों की इस संक्रमण से मौत होने के बाद कुल मृतकों की संख्या 1,522 हो गई है। पिछले 24 घंटे में हैदराबाद में कोविड 19 के 115 नए मामले दर्ज किए गए। सरकार ने कहा है कि कोविड वैक्सीन की संभावित उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता वाले समूहों की पहचान की जाएगी, जिन्हें सबसे पहले टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड वैक्सीन से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों के उत्तरों की एक श्रृंखला तैयार की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले समूह में स्वास्थ्यकर्मी शामिल किए गए हैं। उन्हें संक्रमण का सबसे ज्यादा जोखिम है और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए उनकी सुरक्षा जरूरी है। कोविड 19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला अगला समूह 50 वर्ष से अधिक आयु की व्यक्तियों और 50 वर्ष से कम आयु की व्यक्तियों का होगा, जो सहरुग्ण परिस्थितियों में हैं, क्योंकि इस श्रेणी में मृत्यु दर अधिक है। टीकाकरण के लिए 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को शामिल करने का कारण यह है कि सहरुग्णता वाले 78% व्यक्तियों को सम्मिलित करने में यह सक्षम होगा, जिससे कोविड 19 से होने वाली मृत्यु दर में कमी आएगी। 50 वर्ष से अधिक आयु समूह को 2 उपसमूह में विभाजित किया गया है। एक उपसमूह 60 वर्ष और उससे अधिक का है, उन्हें पहले टीका लगाया जाएगा। दूसरा उपसमूह 50 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के बीच है, पहले उपसमूह का टीकाकरण के बाद उन्हें टीका लगाया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पुदुचेरी में कल मुख्यमंत्री वी नारायण सामी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई। बैठक में कोविड टीकाकरण, कोल्ड चेन व्यवस्था, रेफ्रिजरेशन सेटअप, लॉजिस्टिक्स व्यवस्था, कार्मिक प्रबंधन, अस्पतालों में आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण आदि विषयों पर चर्चा की गई। बिहार में कोविड का टीका मुफ्त लगाने के लिए प्रत्येक जिले में ब्लॉक स्तर पर कार्यदल का गठन किया जाएगा। इस संबंध में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि पल्स पोलियो टीकाकरण की तर्ज पर ही ये टीकाकरण किया जाएगा। इस बीच राज्य में कोविड संक्रमण से अब तक 2,41,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है और इस समय इनकी संख्या सिर्फ 4,730 है।
पिछले 24 घंटे में 577 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 497 नए मामले सामने आए। बिहार में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 97.54% हो गई है। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर आज से श्रद्धालुओं के लिए फिर खुल गया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण 9 महीने तक बंद रहने के बाद अब मंदिर में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप सामने आने के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसमें उन सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं जो इस वर्ष 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक ब्रिटेन गए हों या ब्रिटेन से गुजरे हों। सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को पिछले 14 दिनों की यात्रा के बारे में जानकारी देनी होगी और स्वघोषणा पत्र भरना होगा। ब्रिटेन के विभिन्न हवाई अड्डों से 21 दिसंबर से 23 दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान भारत आने वाले सभी यात्रियों के लिए संबंधित राज्य सरकारों को आरटीपीसीआर जांच की सुविधा का प्रबंध करना होगा। सरकार ने कहा है कि ब्रिटेन में पाया गया कोरोना वायरस का नया स्वरूप अभी तक भारत में नहीं देखा गया है। नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने नई दिल्ली में कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। No need to panic. To the best of our knowledge, we have yet to spot such a virus in our country for which there are intensive efforts in the offing. This virus increases transmissibility, infectiousness, but does not increase propensity for death or hospitalization or severity of disease. It has, as of our understanding today, no impact on the potential of the emerging vaccines that are being developed in our country and are available also on the scene in other कंट्रीज। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने ब्रिटेन में कोविड वायरस के एक नए रूप के कारण आज से पूरे राज्य में रात के कर्फ्यू की घोषणा की है। बेंगलुरु में ये घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्फ्यू का समय रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा, जो 2 जनवरी तक जारी रहेगा। वायरस के प्रसार को रोकने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि केवल ऐसे लोगों को हवाई अड्डे जाने की अनुमति दी जाएगी जो कोविड से संक्रमित नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा से 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश शहरी स्थानीय निकायों में सुधार के क्षेत्र में अग्रणी हैं। दोनों राज्यों ने केंद्रीय व्यय विभाग के निर्देशों के अनुसार इन निकायों के कामकाज में सुधार किया है। राज्यों को इन क्षेत्रों में सुधार के लिए प्रेरित करने के वास्ते वित्त मंत्रालय ने अतिरिक्त ऋण लेने संबंधी अनुमति का प्रावधान किया है। कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने 17 मई को राज्यों की उधारी सीमा को उनके सकल घरेलू उत्पाद के 2% तक बढ़ा दिया था। इस प्रावधान का आधा हिस्सा राज्यों द्वारा नागरिक केंद्रित सुधारों से जुड़ा है। इन सुधारों के लिए 4 क्षेत्रों की पहचान की गई है। ये हैं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन, व्यापार को सरल बनाने के उपाय, शहरी स्थानीय निकाय और विद्युत क्षेत्र में सुधार। शहरी स्थानीय निकाय सुधारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन के बाद आंध्र प्रदेश को 25 अरब 25 करोड़ और मध्य प्रदेश को 23 अरब 73 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन खुले बाजार से जुटाने की अनुमति दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भूजल स्तर बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने जल संसाधन, कृषि और सिंचाई विभाग को इस दिशा में मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य में अनियंत्रित रूप से भूजल निकालने के कारण भूजल का स्तर निरंतर कम हो रहा है, इसलिए भूगर्भ के पानी का स्तर बढ़ाने की योजनाओं पर उचित अमल की जरूरत है। अपने शासकीय निवास वर्षा पर अटल भूजल योजना को लेकर आयोजित बैठक में उन्होंने भूजल स्तर बढ़ाने के उपायों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भूजल स्तर बढ़ाने की दृष्टि से जल पुनर्भरण योजना प्रभावी रूप से चलाने की आवश्यकता है। उन्होंने जल संधारण के कामों को प्राथमिकता देने तथा शिवकालीन पानी संग्रहण योजना का पुनरुज्जीवन करने के निर्देश संबंधितों को दिए। भूजल स्तर बढ़ाने के प्रयासों में जनता को शामिल करने की जरूरत पर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से जनता में जल साक्षरता और जल जागरण का भाव निर्माण किया जा सकता है और ऐसी योजनाओं में जन सहभाग बढ़ाकर मराठवाड़ा जैसे पानी की किल्लत का सामना करने वाले इलाकों में बदलाव लाया जा सकता है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के शताब्दी समारोह को कल सवेरे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। विश्व भारती की स्थापना 1921 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी। मई 1951 में संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। विभिन्न संचार माध्यमों में प्रसारित फेक न्यूज से निपटने के लिए हम अपने श्रोताओं को तथ्यों की जानकारी देने और असलियत उजागर करने के प्रयास करते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट और इस पर विभिन्न पदों के लिए आमंत्रित आवेदनों को फर्जी करार दिया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी ने सरकार की ओर से किसी भी पद के लिए अब तक कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में दो बार कांग्रेस सांसद रहे 68 वर्षीय मदन लाल शर्मा का निधन हो गया है। वे 14वीं और 15वीं लोकसभा में जम्मू पुंछ निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रहे। उन्होंने 2014 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा से हार गए। पार्टी के विभिन्न नेताओं ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इसराइल की संसद नेसेट को देश के बजट संबंधी विवाद के बाद कल भंग कर दिया गया। सरकार में शामिल दो मुख्य दल बजट पर आपसी सहमति बनाने में विफल रहे। इसराइल में अब दो वर्ष के भीतर मार्च में चौथा आम चुनाव होगा। वर्ष 2020 के बजट को तय समय सीमा में पारित न कर पाने के बाद संविधान के प्रावधानों के अनुसार संसद को भंग कर दिया गया। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और उनके पूर्व राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी रक्षा मंत्री बेन्नी गांज ने अप्रैल 2019 के बाद से हुए तीन चुनावों के बाद राष्ट्रीय एकता सरकार की स्थापना की थी। इन चुनावों में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। तब से दोनों नेता बारी बारी से प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे थे। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे तूफानी दौरे पर आज लेह पहुंचे। आधे दिन की इस यात्रा में जनरल नरवणे ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई अग्रिम चौकियों का दौरा किया। वे रेचन ला गए, जहां उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति का मौके पर जायजा लिया। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह शीतलहर रही। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम 23 डिग्री के आसपास रहने के आसार हैं। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। तापमान 21 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। तापमान 13 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। जम्मू में दिन में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम 21 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। लेह में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 13 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। अधिकतम 0 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मुजफ्फराबाद में दोपहर या शाम के समय बादल छाए रहने का अनुमान है। तापमान 2 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। देहरादून में आसमान साफ रहेगा। तापमान 5 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। चंडीगढ़ में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम 21 डिग्री रहने की संभावना है। हैदराबाद में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम 29 डिग्री रहने के आसार हैं। अहमदाबाद में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम 28 डिग्री रह सकता है। पटना में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 8 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। गुवाहाटी में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। समाचार कक्ष से नईम अख्तर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 74 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67, पीडीपी को 27 और कांग्रेस को 26 सीटें मिली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। कृषि कानून किसानों के लिए बेहद फायदेमंद। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.69% हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे और इसराइल में तय तारीख तक बजट पारित नहीं होने के कारण अब मध्यावधि चुनाव कराए जाएंगे। दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।
नमस्कार।